पहाड़ से मैदान तक ठंड बढ़ गई है। पूरा यूपी शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक हफ्ते तक कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहेगा। लोग घरों में दुबके हुए हैं। ठंड से निजात पाने के लिए अलाव का सहारा लिया जा रहा है। प्रशासन ने रैन बसेरों में ठंड से बचने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। कई जगह कोहरा भी लोगों की मुश्किल को बढ़ा रहा है। चार तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए किस ठंड से बचने के लिए किस तरह से लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है क्योंकि कई जगहों पर विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दिन ब दिन ठंड में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, यानी पहाड़ी इलाकों के बाद मैदानी इलाकों की भी अगर बात की जाए तो धीरे धीरे ठंड में यहां बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। उत्तर भारत में अभी और भी ठंड बढ़ेगी। दिल्ली आने वाली 26 ट्रेनें लेट चल रही हैं। कुछ ट्रेनें एक घंटे तो कुछ 6 घंटे की देरी से चल रही हैं। कई उड़ानों पर भी कोहरे का असर दिख रहा है। कई फ्लाइट्स लेट हैं तो कई का रूट भी बदला जा रहा है। तो इस तरह से ये जो ठंड का असर है वो यात्रियों पर पड़ रहा है, ट्रेनों पर पड़ रहा है। 26 से ज्यादा ट्रेन है दिल्ली आने वाली जो काफी देरी से चल रही है। कुछ तो ट्रेनें ऐसी हैं कि एक घंटे की देरी से चल रही हैं, तो कुछ ऐसे भी ट्रेन हैं जो 6 घंटे की देरी से चल रही हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है और इसी वजह से देरी ट्रेनों के संचालन में हो रही है। कई उड़ानों पर भी सीधा सीधा कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। कई फ्लाइट्स भी लेट है तो कई का रूट भी बदल दिया गया है कोहरे को देखते हुए। तो इस तरह से ठंड ने मुसीबत लोगों की बढ़ा दी है और आने वाले दिनों में अभी राहत नजर नहीं आती। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ट्रेनों की तस्वीर जो कि 1 घंटे से 6 घंटे तक देरी से चल रही हैं, कई फ्लाइट्स भी लेट हो गई हैं, तो कई का रूट बदल दिया गया है। यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई है। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहने का अनुमान है। यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत में अभी ठंड का प्रकोप जारी रहने वाला है। अगले 2 दिन सर्दी लोगों को परेशान करेगी, हालांकि इसके बाद ठंड कम होने के आसार भी हैं। अगले 3 दिन तक उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने जनवरी के लिए देश के मध्य भाग में शीतलहर वाले दिनों के बारे में आगाह किया है। अगले 3 दिन के लिए उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के इलाकों में घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान जाहिर किया गया है। जनवरी के लिए मौसम विभाग ने कई अहम जानकारियां दी हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च के दौरान सामान्य वर्षा का भी अनुमान जताया गया है। पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे से लेकर सीवियर कोल्ड डे के हालात जारी रहने का अनुमान है। अगले 3 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में घना कोहरा जारी रहने और उसके बाद धीरे धीरे कम होने का अनुमान है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर का क्या हाल है मौसम का, अभी फिलहाल ये जान लेते हैं। लखनऊ की स्थिति कैसी है ये भी जान लेते हैं। अनुष्का दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ है, लखनऊ से मयूर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले आपको लेकर चलते हैं दिल्ली, अनुष्का के पास। अनुष्का, अभी अगर देखा जाए तो आज भी हालांकि कोहरा नहीं है लेकिन ठंड में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है, अभी क्या अपडेट दिल्ली से? बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं दिसंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर जनवरी के शुरुआती दिन तक लोगों को भयंकर ठंड का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। 9 सालों के अंदर इस साल का जो जनवरी का महीना है वो सबसे ठंडा दर्ज किया गया था, जिसकी वजह से लोगों को भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी यातायात के मामले में देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार कई सारी ट्रेन जो है वो डिले दिख रही है, फ्लाइट जो है वो डिले जो है वो नजर आ रही है। कुछ तस्वीरें हम आपको सेंट्रल दिल्ली से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बीते दिनों विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कुछ विजिबिलिटी जो है उसमें कुछ साफ जो है वो देखने को मिल रहा है। पहले यातायात में जो ब्रेक है वो लगता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अभी देख रहे हैं जो स्थितियां हैं वो विजिबिलिटी के मामले में थोड़ी सामान्य होती नजर आ रही है। ठंड लेकिन उससे भी ज्यादा जो है वो देखने को मिल रही है बीते दिनों के मुकाबले। आज दिल्ली का जो अधिकतम तापमान है वो 17 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं जो न्यूनतम तापमान है वो 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। आने वाले दिनों में अगर 2-3 दिन की बात करते हैं तो उसमें तापमान जो है उसमें गिरावट जो है वो दर्ज की जाएगी, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही जो तापमान है उसमें
में कहीं ना कहीं सुधार जो है वो होता नजर आएगा और लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि जैसा कि आमतौर पर देखते थे दिसंबर के आखिरी महीने से लेकर जनवरी के शुरुआती महीने में शीतलहर जो है उसका दौर देखने को मिलता था, लेकिन अभी शीतलहर को लेकर के कोई पूर्वानुमान जारी नहीं किया गया है। किसानों के वापस आपके पास लौट रही हूँ, मयूर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर, अभी लखनऊ की क्या सिचुएशन है, वहां पर कैसा है अभी मौसम का हाल? देखिए, मौसम विभाग की माने तो उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है और अलर्ट भी इस बात को लेकर जारी किया है कि लखनऊ समेत आसपास के जिलों में अगले 3 दिनों में ठंड जो है वो बढ़ने वाली है। पश्चिमी विक्षोभ जैसे ही कम होगा, क्योंकि धुंध दिल्ली NCR इलाके में है और हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं हल्की धुंध आपको आज लखनऊ में देखने को मिल रही है, कोहरा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो पछुआ हवाएँ 3 दिन बाद चलेंगी यानी शुक्रवार से, यह अनुमान जो है जारी किया गया है कि शुक्रवार से लगातार 1 हफ्ते तक जो टेम्परेचर है वो डाउन होने का काम करेगा और ठंड और ज्यादा परेशान करेंगी, ठिठुरन बढ़ेगी, गलन बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल कोहरा नहीं है, लेकिन बादलों की आवाजाही लखनऊ में है, सूर्य देवता के आज दर्शन शायद ही हो ऐसा लग रहा है। कल से अनुमान जताया जा रहा है कि सूरज प्रॉपर निकलेगा, धूप खिलेगी, लेकिन जो ठंडी हवाएं हैं वो चलती रहेंगी। तो भले ही सूरज निकले, लेकिन दोपहर के समय में भी लोगों को ठंड सताएगी। तो ऐसे में अलर्ट जारी किया गया है कि घरों से जो लोग निकले, ज़रूरी काम हो तभी निकले और प्रॉपर कपड़े पहन के निकले। और जो गाड़ियां चलाने में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर यातायात की बात करें तो जो बसेस हैं, ट्रेन है और जो प्लेन्स हैं उनका जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें चेंजेस हो रहा है, कई ट्रेनें रद्द हो जा रही हैं, लोग समय पर अपने घरों को नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है इस ठंड से, क्योंकि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं उत्तराखंड से कि लखनऊ समेत आसपास के जिलों को जिनको बहुत ज्यादा ठंड की आदत यहाँ के लोगों को नहीं होती है, सिर्फ मौसम में ही आदत होती है, वो लोग घूमने गए थे, उनको ठंड लग गई और कई लोगों की जान चली गई ठंड लगने की वजह से। तो ऐसे में जो लोग यूज टू नहीं है ठंड के बहुत ज्यादा, वो लापरवाही ना बरतें और ठंड को हल्के में ना लें, क्योंकि 3 दिनों के बाद ये ठंड और भी ज्यादा सताने वाली है। फिलहाल बिल्कुल, यानी अभी राहत की उम्मीद हम नहीं कह सकते आने वाले दिनों को लेकर कि लोगों को इस ठंड से राहत मिल पाए। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका मयूर, और अनुष्का आपका भी शुक्रिया जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए। जम्मू कश्मीर के कई इलाके इस समय ठंड की भीषण चपेट में है, वहां हो रही बर्फबारी से लोगों की मुश्किल काफी बढ़ गई है। इस बीच श्रीनगर में नए साल की पहली रात का तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जिसकी वजह से डल झील का पानी जम गया। पानी के ऊपर बर्फ की एक पतली परत जम गई, जिससे वहां नावों को चलाना मुश्किल हो गया। शिकारे बंद होकर झील में एक किनारे कतार से लग गए और जो नाव गुजरी भी उसे भी पानी में जमी बर्फ की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बर्फ की सिल्ली को तोड़कर जब झील पर फेंका गया तो वो एक कांच की तरह टूट कर पानी में जमी बर्फ के ऊपर बिखर गई। वहीं घूमने पहुंचे लोग इस मौसम का मजा लेते नजर आए, जैसे कि यहाँ पर पतली पतली बर्फ की परतें जमी हुई है और यहाँ वॉक कर आए, यहाँ पर जो बीच में रास्ता रहा उसमें बहुत अच्छा फील हुआ, यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं। बताया गया कि दक्षिण कश्मीर के कुछ इलाकों में तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया गया।